हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम इंडियन आर्मी के न्यू AERV की बात करेंगे। ये रिसेंटली इंडक्ट किया गया है इंडियन आर्मी में। ये क्या होते हैं, क्या वर्किंग होती है इनकी, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए जितना हमारा आर्मी, जितना हमारा नेवी, हमारा डिफेंस जितना मजबूत होगा, उतना हमारे देश की सुरक्षा अच्छे से होगी। आपको भी पता है, भारत के एक साइड पाकिस्तान, एक साइड चाइना का डर हमेशा लगा रहता है। हमेशा बॉर्डर पर हमारे जवान तैनात रहते हैं। तो यहाँ पर हम पूरी तरह से खुद को तैयार करें उनसे लड़ने के लिए। कभी भी कोई बाहर से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उससे हम लड़ सके, उसके लिए हमारी आर्मी के जो भी इसमें इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जो भी इनके पास वेपन्स होंगे, उनका बहुत अच्छा होना, नई स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का बना होना बहुत ही जरूरी है। तो ये AERV इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस ये मेड इन इंडिया है, पूरी तरह से इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। ये क्या है, इनके बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा नया। और वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कर दें, प्लस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए इस न्यूज के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं, इस तरह के व्हीकल्स होते हैं, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है ये AERV, नेक्स्ट जनरेशन आर्मर्ड इंजीनियर रिकनेंस व्हीकल। रिकनेंस मतलब क्या होता है, बेसिकली निगरानी करना या सर्विलियंस बोल सकते हो आप। सर्विलियंस का मतलब इस तरह से नहीं है कि कैमरा वगैरह, बेसिकली इनमें कैमरा होता है और बाहर से कोई दुश्मन आ रहा है, कितना दूर है, वो सब चीजें भी चेक करते हैं। प्लस इनका और कुछ भी काम है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। ओके, तो इसमें कुछ एडवांस्ड है, इसीलिए इसको नेक्स्ट जनरेशन, जो पहले थी उनसे काफी बेहतर है ये, इस तरह की आर्म्ड व्हीकल्स है ये। फॉर्मली इंडक्ट किए गए हैं इंडियन आर्मी की एक कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, मतलब इसकी एक ब्रांच ही होती है। बेसिकली इन इंजीनियर्स का काम होता है जो भी व्हीकल वगैरह जा रहे हैं जिस जगह पे, जैसे कि आर्मी के व्हीकल या ट्रूप्स वगैरह जाने हैं, तो ब्रिजेस वगैरह बनाने का काम हो गया, उस जगह को चेक करना कि वहाँ सेफ तो है, माइंस वगैरह तो नहीं बिछी हुई है, तो इस तरह का काम होता है। तो इसमें ये इंडक्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इनका ही काम होगा इनको यूज करना, क्लियर है। ओके, इंडियन आर्मी ने ऑर्डर किया था 53 यूनिट्स का, AERV की 53 यूनिट हमको दी जाए। उनमें से 15 यूनिट अभी दे दी गई हैं, फर्स्ट यूनिट जो थी वो इंडक्ट की गई थी और 15 यूनिट बनके तैयार हो गई, ये भी आ गई ऑलमोस्ट, बाकी की भी टाइम पर आ जाएंगी। कोविड पैंडेमिक के बावजूद भी इनकी डिलीवरी टाइम पर हुई है। ओके, ये क्या करेंगे, विल बी डिप्लॉयड विद द इंडिविजुअल इंजीनियरिंग फॉर्मेशन, मेनली वेस्टर्न फ्रंट पर होंगे बेसिकली। एक्चुअली इंडिया का एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, तो ये जो वेस्टर्न फ्रंट है ना, यहाँ पर ये मेनली तैनात किए जाएंगे, ठीक है। तो इस जगह पर ये होंगे, क्लियर है। ओके, और बाकी इंडिया में पहले से है क्या, तो हाँ पहले से भी है, लेकिन जो पुराने हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम में ले रहे हैं उनको, और की जरूरत थी, इसीलिए 53 यूनिट्स का ऑर्डर दिया गया। ओके, ठीक है। अब AERV है क्या, समझते हैं इसको। आर्मर्ड इंजीनियर रिकनेंस व्हीकल होते हैं, जिस तरह की आपने महिंद्रा की गाड़ी वगैरह देखी होगी जो पहाड़ी वाले इलाके के लिए होती है, आर्मी वगैरह जिसको यूज करती है, जो पहाड़ के इलाके में हो जाए, रिवर अगर है, पानी वगैरह है, तो उसको भी अच्छे से पार कर जाए, तो उस तरह की कार, या फिर जो अभी आपने डायग्राम देखा, ये जो देखा हमने, ये वाला, इस तरह के व्हीकल्स होते हैं ये। और ये सर्विलियंस वगैरह का काम करते हैं, निगरानी रखते हैं, चेक करते हैं कि बाहर से कोई हमला हो रहा है या नहीं, वो सब चीजें चेक करने का काम होता है इनका, ठीक है। ये मॉडिफाइड वर्जन है ऑफ एम्फीवियस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल BMP-2 का। एक्चुअली एम्फीवियस मतलब क्या होता है, जो बोथ लैंड और वाटर दोनों में काम कर सके, ठीक है। इस तरह के जो एम्फीवियस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स है, उनका मॉडिफाइड वर्जन है। अब मैंने आपको बताया था कि सिर्फ निगरानी रखने का काम नहीं है, और भी काम है इनके। इट इज डिजाइन टू मीट टैक्टिकल एंड कॉम्बैट रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिलिट्री इंजीनियर्स, ठीक है। तो टैक्टिकल सामरिक महत्व, और जो हमारा कॉम्बैट रिक्वायरमेंट है, जो हमारी लड़ाई के लिए जो रिक्वायरमेंट है, उन दोनों को ये फुलफिल करेंगे, ठीक है। कैरिंग आउट टेरेस्ट्रियल एंड अंडर वाटर सर्विस इन हॉस्टाइल टेरेंस, जो हॉस्टाइल टेरेंस है, जहाँ पर लड़ाई की स्थिति हमेशा बनी रहती है, उन जगह पर जैसे लड़ाई वगैरह चल रही है, ठीक है, वॉर चल रहा है, तो उस टाइम पर वाटर अंडर वाटर सर्वे की, पानी कितना है, इस पर से हमारे व्हीकल्स चले जाएंगे या नहीं, या हमें ब्रिज बनाना है। मैंने एक शॉर्ट एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह के व्हीकल्स ही होते हैं, वो ब्रिज बनाते हैं, ठीक है, टेम्प्रेरी ब्रिज बनाते हैं। तो
कोई मान लीजिए रिवर है, रिवर को क्रॉस करना है तो टेम्परेरी ब्रिज बना दिया जाता है, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और अच्छे से आपको चीजें समझ आएंगी। तो ब्रिज वगैरह बना के फिर वहां से आर्मी के जो व्हीकल्स है वो क्रॉस हो जाए। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये सर्वे करते हैं, अंडर वाटर सर्वे और टेस्टल, क्योंकि कोई माइन वगैरह तो नहीं बेची है, इस चीज का भी सर्वे कर लेंगे। प्लस जो रिवर है, मान लीजिए कहीं पे कोई कैनाल वगैरह है, उसमें पानी कितना गहरा है, कब सूखता है, कब क्या है, तो वो सब चीजें, दलदल है कुछ, उसका भी ये निगरानी रख लेंगे, सर्वे कर लेंगे। ओके जो प्रीमियरली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ असॉल्ट ब्रिजेस इन डेजर्ट फ्लैट एंड इवन रिवराइन एरियाज फॉर बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव ऑपरेशन। किसी भी तरह का ऑपरेशन है, डिफेंसिव ऑपरेशन करना है या ऑफेंसिव ऑपरेशन करना है, दोनों में ही ब्रिज बनाने की जरूरत तो पड़ी जाती है। मान लीजिए देश पर कोई आक्रमण वगैरह नहीं हुआ है तो भी ब्रिज बनाने की जरूरत पड़ सकती है, बाढ़ वगैरह आ गई, कुछ आ गया, तो इस टाइम पर लोगों को वहां से रेस्क्यू करना है तो भी इस चीज की जरूरत हो जाती है। तो डेजर्ट वाले एरिया में भी ब्रिज बनाने की जरूरत हो सकती है, जनरली वेस्टर्न हमने बोला है ना, तो वहां पे हमको इसको लगाना है। तो वेस्टर्न रीजन में डेजर्ट है तो बेसिकली वहां पर डेजर्ट में ब्रिज बनाने की जरूरत भी पड़ सकती है, फ्लैट एरिया में भी ब्रिज बनाने की जरूरत पड़ सकती है, रिवरलाइन एरियाज में भी पड़ सकती है। तो बेसिकली ऐसा है कि फ्लैट जगह है, ठीक है, फ्लैट जगह है, लेकिन फ्लैट जगह में दलदल वगैरह हो गया, कुछ इस तरह की चीज हो गई, तो वहां पर आपको जरूरत है कि यहाँ से वहां तक, या बहुत कम जगह है, हमें ऊपर से लेके जाना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं तो हमें ऊपर से लेके जाना है, तो ब्रिज इस तरह से बनाना है जैसे हमारे व्हीकल्स वगैरह चले जाए। तो बेसिकली इनके लिए बनाया गया है, डिफेंसिव ऑफेंसिव दोनों तरह के ऑपरेशंस में हम इससे काम ले सकें। ओके ये जो सिस्टम है ये किसने डिजाइन किया है, तो डीआरडीओ ने डिजाइन किया है, आपको एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा। डीआरडीओ की ये जो व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट स्टेब्लिशमेंट, ये है डीआरडीओ का, VRDE, ठीक है, अहमदनगर, इसने प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इसने डिजाइन किया है, ठीक है, डिजाइन इन्होंने किया कि किस तरह का होना चाहिए। फिर मैन्युफैक्चर किसने किया है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक जो है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उसने इसको मैन्युफैक्चर किया है। यहाँ पर इसकी कुछ इक्विपमेंट्स हैं, 14 इलेक्ट्रॉनिक एंड सेंसिंग इक्विपमेंट, इसमें कुछ इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, सेंसर लगाए गए हैं। तो इस तरह के जो 14 इलेक्ट्रॉनिक और सेंसिंग इक्विपमेंट है वो किसने दिए हैं, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे इसने इंस्टॉल किए हैं, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉनिक और सेंसिंग इक्विपमेंट, क्लियर है। ओके तो ये बेसिकली इसमें चीजें लगाई गई हैं, इंस्टेड ऑफ टरेट और द रिवॉल्विंग टावर। देखिए बेसिकली ये जो आपकी ये जो आर्म्ड व्हीकल होते हैं जो सर्विलियंस के लिए होते हैं, वो उसमें इस तरह का, जैसे कि यहाँ देखिए, तो इस तरह का कैमरा वगैरह लगा होता है जो दूर से निगरानी रखते हैं कि हमें कोई आने वाला है तो उसको चेक करना है, प्लस मारने वारने का काम तो हो ही जाता है। तो एक रिवॉल्विंग टावर होता है, इसके अलावा भी ये तो है ही, जनरली आर्मर्ड व्हीकल्स में यही होता है, इससे एडवांस इसमें और क्या क्या है, रिप्लेस्ड इन द केस ऑफ AERV विथ अ लेजर रेंज फाइंडर। इसमें सिर्फ वो नहीं है कि कैमरे से आप देखो, ठीक है, एक रिवॉल्विंग टावर नहीं है कि चारों तरफ निगरानी रख सके, इसमें क्या है, एक लेजर रेंज फाइंडर भी है जो फाइंड कर सकता है कहाँ से कौन आ रहा है, प्लस अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी इसमें है, ठीक है, तो ये एडवांस वर्जन है बेसिकली, आप इतना समझ लीजिए। व्हीकल ऑल्सो हैज इक्विपमेंट मेजरिंग वाटर करंट, साथ साथ में ये वाटर करंट को भी मेजर कर सकता है, सॉइल की डेंसिटी कितनी है उसको ये मतलब बेसिकली इसको मेजर कर सकता है, ये बता सकता है, वाटर करंट को मेजर कर सकता है, नेविगेशन और डेटा बैकअप वगैरह की लिए भी इसमें फैसिलिटी है, ठीक है, एक्सेट्रा रिक्वायर्ड फॉर इंजीनियरिंग कॉलम्स। तो ये भी जरूरत होती है, इन सब चीजों की भी जरूरत होती है, इन्होंने नेविगेशन हो गया, डेटा बैकअप हो गया जिससे कि स्टोर करके रख सकें डेटा, ओके, इसके अलावा सॉइल डेंसिटी और वाटर करंट को भी मेजर कर सकता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मिलिट्री जितनी हमारी एडवांस होगी, जितने हमारे वहाँ के इक्विपमेंट एडवांस होंगे, उतने हम जो भी कोई वॉर होता है या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम इजीली उससे हम लड़ पाएंगे, ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिजेस दैट कैन सस्टेन डिजायर्ड ऑपरेशनल लोड, ठीक है। तो बेसिकली ये किस लिए बनाए गए हैं, ब्रिजेस वगैरह, हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो हमारा ये जो व्हीकल है ये हमें क्या करने में मदद करे। बेसिकली जब हम ब्रिज बनाते हैं, जैसे कि ये जो शॉर्ट स्पैन ब्रिजेस सिस्टम वाली जो वीडियो मैंने बताई उसको जरूर देख लीजिएगा, वो डिफेंस वाली प्लेलिस्ट में होगी, तो उससे आपको पता चलेगा कि आर्मी की, अब जैसे जरूरी तो नहीं ना हर जगह पे ब्रिज ही हो, लेकिन आर्मी वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, बीच में कोई जगह है, खाई है, इस तरह पे ब्रिज बनाना है, उसमें मैंने वीडियो भी दिखाई है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे शॉर्ट स्पैन ब्रिज बनते हैं, बट ये जो जगह है इस ब्रिज को संभाल पाएगी, फिर इस पे से जो
व्हीकल वगैरह जाएंगी वो भी संभाल पाएंगी, क्योंकि पहले तो ब्रिज संभाल रही है। जब ये ब्रिज संभाल लेगी तब इस पर व्हीकल, ऐसा ना हो कि कहीं व्हीकल और ब्रिज का लोड ही ये ना उठा पाए, तो इस वजह से ये सब चीजें पहले चेक की जाती हैं। तो चेक करने का काम क्या होता है, इनका काम होता है। ओके, तो बेसिकली ये सस्टेन डिजायर्ड ऑपरेशनल लोड इसके लिए चेक किया जाता है कि हम ब्रिज बनाए भी इस जगह पे या नहीं बनाए। ठीक है, तो ये इनका काम होता है। AERB क्या करते हैं, ये कैपेबल होते हैं ऑफ मेजरिंग सॉइल वेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है, ऑन रिवर बैंक्स टू डिटरमाइन इफ दे आर मोटरेबल फॉर मिलिट्री व्हीकल्स ऑन गो और नो गो बेसिस। मतलब कि मिलिट्री व्हीकल जो है वो उस जगह से ब्रिज बना के वहां से चले जाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि हम मैनुअली चेक करने की जगह ये खुद ही चेक कर लेंगे, ये देख लेंगे कि ये जो सॉयल है उसमें बेयरिंग कैपेसिटी है या नहीं, उसको वो सहन कर पाएगी या नहीं। ठीक है, तो फ्लैट जमीन पर भी कर सकते हैं, तो वो सहन कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। इस पर ब्रिज बना के हम इस पर व्हीकल्स निकाल दें, उसमें इतनी कैपेसिटी है कि इसको सहन कर पाएगी, ये चेक करेगा और चेक करके हमें बता देगा कि हाँ इस पर से बना के जा सकते हो या नहीं जा सकते। ठीक है, क्रिटिकल पैरामीटर्स फॉर ब्रिज लाइन, ठीक है, ये हमें जरूरत होती है ये पैरामीटर चेक करने की, तो बेसिकली इससे हमें ये हेल्प मिलेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, ड्राई और वेट गैप कितना है इन डे एंड नाइट कंडीशंस, स्लोप्स, हाइट, रिवर बैंक्स और कैनल्स, इनकी स्लोप क्या है, हाइट क्या है, ये सब चीजें भी ये बता देगा। और व्हीकल्स रिलाय ऑन द मिलिट्री ग्रिड कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस सिस्टम पर रिलाय करते हैं ये किस चीज के लिए, ट्रांसफर स्टेरन एंड कैन स्टोर डेटा फ्रॉम वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑन इट्स कंट्रोल। तो इस सिस्टम से ये एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, इसके अलावा ये स्टोर कर सकते हैं डेटा को फ्रॉम वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑन इट्स कंट्रोल एंड कंसोल फॉर फर्दर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। तो बेसिकली वही है कि ये सब चीजें जब डेटा स्टोर हो जाएगा फिर चेक कर लिया जाएगा कि इसको एनालाइज भी कर लेंगे कि यहाँ ठीक है या नहीं ठीक है, या हमें इस पे काम करना चाहिए या ब्रिज बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, वो सब चीजें, उस रास्ते से जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए, दूसरा रास्ता लेना चाहिए, नहीं तो पता चले वहां पहुंचे और वहां पे फंस जाए, और डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं इसके बाद। ओके, ये जो सिस्टम है वो एनहेंस करेंगे एग्जिस्टिंग इंजीनियर की जो कैपेबिलिटी है, रिकनेंस कैपेबिलिटी है, उसको ये एनहेंस करेंगे ऑफ आर्मी एंड वुड बी मेजर गेम चेंजर इन सपोर्ट ऑफ मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस इन जो फ्यूचर जो भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं उनमें भी हमें एक गेम चेंजर की तरह ये साबित होंगे। तो ये बेसिकली है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसके बारे में हमने इस लेक्चर में जाना। अब आप इसकी अगर PDF चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मेरी सारी वीडियोस की PDF मिल जाएंगी। इसके अलावा आप चाहें तो इंस्टा पर मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपको पसंद आता है तो। थैंक यू।